आज मैं लेकर के आई हूँ आप सबके लिए सर्दियों की स्पेशल पालक और मटर की सब्जी की रेसिपी फटाफट से ये बन करके तैयार हो जाती है साथ में खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं उससे पहले वेलकम टू अमेजिंग किचन रेसिपीज तो यहाँ पे पालक की सब्जी बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम पालक ली है और मैंने पालक को डंठल से अलग कर लिया है मतलब पत्ते पत्ते अलग कर लिए हैं और इसे पानी से तीन से चार बार अच्छे से धो लिया है अब यहाँ पे मैंने पानी उबलने के लिए रखा है इसमें हम सारी पालक डाल देंगे तो यहाँ पे पालक को बहुत देर तक आपको नहीं उबालना है केवल दो मिनट के लिए पालक को पानी में उबालेंगे तो पहले सारी पालक इसमें डाल देंगे और इसी के साथ में इसमें डालेंगे आधा छोटी चम्मच चीनी की और यहाँ पे आप ये मत सोचिएगा कि आप चीनी डाल रहे हैं तो पालक की सब्जी मीठी हो जाएगी नहीं बिल्कुल भी मीठी नहीं होगी चीनी हम इसलिए डालने हैं ताकि जो पालक का कलर है ना वो ग्रीन ही रहे साथ में कुछ ऐसा और करेंगे जिससे पालक की सब्जी का कलर अच्छा सा ग्रीन सा निकल करके आए जब हम सब्जी को अच्छे से पका लें उसके बाद भी तो यहाँ पे बस इसे दो मिनट के लिए इसी तरीके से आपको उबाल लेना है और यहाँ पे पालक को उबलते हुए लगभग दो मिनट हो रहे हैं इसे ज्यादा नहीं उबालेंगे क्योंकि अभी हम सब्जी बनाएंगे तब भी तो पकाएंगे ना पालक को तो बस अब गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है और इसे अब निकाल लेंगे तो सारी पालक इसी तरीके से पहले पानी से निकाल लेंगे और इसे निकाल करके ना तुरंत आपको आइस वाटर में डालना है और इसे डाल करके आपको लगभग इसे पंद्रह मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है तो पंद्रह मिनट हो रहे हैं आप देख सकते हैं सारी जो बर्फ है ना वो पिघल गई है तो बस अब इसे निकाल करके हम ग्राइंड करेंगे तो सारी पालक को निकाल करके एक ग्राइंडिंग जार में डाल लेंगे और इसे आपको बिल्कुल महीन नहीं पीसना है मतलब इसका बिल्कुल महीन सा पेस्ट नहीं बनाना है तो यहाँ पे पालक को ना पल्स मोड में तीन से चार बार घुमा करके इस तरीके से पीसना है और आप देख सकते हैं पालक बिल्कुल महीन नहीं पीसी है इसमें पालक के चंक्स भी हैं तो बस इसी तरीके से पालक को पीस करके तैयार करेंगे इसे साइड में रखते हैं कढ़ाई में डाल रही हूँ चार बड़े चम्मच सरसों का तेल सरसों के तेल को धुआं निकलने तक गरम कर लेंगे इसे सरसों के तेल की जो भी स्मेल होती है ना वो निकल जाती है अब तेल बहुत गरम हो गया था तो फ्लेम को मैंने बंद कर दिया था और इसमें डाल रही हूँ मैं एक छोटा चम्मच जीरा साथ में दो बारीक कटी हुई प्याज गैस का फ्लेम मैंने फिर से ऑन कर लिया है और प्याज को ना मीडियम हाई फ्लेम में लगातार चलाते हुए एक से दो मिनट के लिए इस तरीके से भून लेना है तो यहाँ पे प्याज हल्की सी भुन गई है इसमें डाल देंगे दो बड़े चम्मच अदरक और लहसुन बिल्कुल बारीक काट करके आप चाहे तो कूट करके भी डाल सकते हैं लेकिन पेस्ट मत डालिएगा इस तरीके से कूट के या बिल्कुल बारीक काट करके डालिएगा जिसमें लगभग सात से आठ कलियां मैंने लहसुन की ली हैं और आधा इंच अदरक का टुकड़ा लिया था तो देखिए सारी चीजें अच्छे से भुन गई हैं इनका हल्का सा कलर चेंज हो गया है तो बस बहुत ज्यादा नहीं भूनना है इस टाइम में इसमें डाल देंगे एक कटोरी बिल्कुल ताजा मटर आपके पास फ्रोजन हो तो आप डाल सकते हैं वो भी साथ में यहां पे मैंने दो टमाटर भी काट करके लिए हैं और टमाटर के जो अंदर के सीड्स होते हैं दाने होते हैं ना उन्हें मैंने बिल्कुल निकाल दिया है साथ में इसमें डाल देंगे एक चौथाई चम्मच नमक अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और अब इसे अच्छे तरीके से आपको पकाना है तब तक पकाएंगे जब तक मटर और टमाटर दोनों अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए मटर बिल्कुल फ्रेश है तो ये सॉफ्ट नहीं है थोड़ा सा ही पकने में ये सॉफ्ट हो जाएंगी तो बस ढक्कन ढक धक देंगे ताकि ये जल्दी से पक जाए तो लगभग दो से तीन मिनट हो रहे हैं और यहाँ पे टमाटर भी हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं भुन गए हैं मटर भी हमारी भुन गई है तो इसे आप ढक करके नहीं भूनना है इसे ऐसे ही थोड़ा सा और भून लेंगे तब तक भूनेंगे जब तक आपको हल्का हल्का सा ऑयल ना दिखने लगे साइड्स में इस तरीके से अब इसमें डालना है एक छोटा चम्मच बेसन लेकिन सारी चीज़ें अच्छे से भुनने के बाद ही बेसन डालिएगा और अब इसी के साथ में इसमें डाल देंगे आधा छोटी चम्मच धनिया पाउडर एक चौथाई चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे डाला है जीरा पाउडर और आधा छोटी चम्मच मैंने लाल मिर्च का पाउडर डाला है और अभी सारी चीज़ों को ना एक से डेढ़ मिनट के लिए भूनना है क्योंकि हमने बेसन भी डाला है बेसन को भी अच्छे से भुनने के लिए टाइम चाहिए तो फ्लेम को बिल्कुल आप मीडियम लो में कर लें और लगातार चलाते हुए इसे लगभग एक से डेढ़ मिनट दो मिनट के लिए भून लेंगे चलाइएगा जरूर ताकि बेसन वगैरह कुछ भी नीचे लगे नहीं तो जब टमाटर और मटर अच्छे से भुन जाए ना तभी डालना है या तो फिर आपको मटर डालने के पहले डालना है तो यहाँ पे सारी चीजें बहुत अच्छे से भुन गई है हल्का हल्का सा ऑयल से सेपरेट दिख रहा था तो यहाँ पे मैं हल्दी पाउडर डालना भूल गई थी तो केवल दो चुटकी हल्दी पाउडर डालना है कई लोग बिल्कुल ही हल्दी पाउडर पालक की सब्जी में नहीं डालते हैं लेकिन मैं थोड़ा सा बिल्कुल डाल देती हूँ और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे लगभग एक मिनट के लिए और भून लेंगे और अब बेसन और सारी चीजें बहुत अच्छे से भुन गई हैं तो हमने जो पालक को ग्राइंड करके रखा था ना उसे डाल देंगे और अभी पालक डाल के ना अच्छे तरीके से मसालों के साथ में पालक को मिक्स करेंगे और लगभग दो तो मिनट के लिए पालक को मसालों के साथ में इसी तरीके से पकाना है अभी इसमें पानी नहीं डालेंगे तो फ्लेम को कर लेंगे मीडियम हाई में और पालक को इसी तरीके से ना चलाते हुए हल्का सा भून लेना है बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है इसे बिल्कुल ड्राई नहीं करना है और इसमें अब मैं डाल रही हूँ लगभग तीन चौथाई कटोरी जितना पानी मतलब आधी कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा मैं इसमें पानी डाल रही हूँ और अभी ना पालक को लगभग पाँच से 6 मिनट के लिए बहुत अच्छे से मीडियम फ्लेम में पकाना है साथ में डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक और बहुत अच्छे से पकने के बाद भी पालक का कलर जो है वो ग्रीन ही रहेगा क्योंकि हमने इसे पंद्रह मिनट के लिए आइस वाटर में रखा था इससे इसका कलर बहुत ही अच्छा रहता है तो बस ढक्कन ढक देंगे और यहाँ पे लगभग पांच मिनट हो रहे हैं पालक को पकते हुए और आप देख सकते हैं पालक की जो सब्जी का कलर है वो इसी तरीके से ग्रीन है तो अगर आप कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो आपकी भी सब्जी इसी तरीके से बनेगी बिना कोई कलर डाले इसमें मैंने दो हरी मिर्च डाल दिए सिलेक्ट करके साथ में बिल्कुल एक चौथाई चम्मच इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे लगभग एक मिनट के लिए और ऐसे ही पकने देंगे बिना ढक्कन ढके साथ में इसमें खूब सारा हरा धनिया डाल देंगे कई लोग पालक की सब्जी में हरा धनिया नहीं डालते हैं लेकिन आप एक बार डाल करके देखिएगा हरा धनिया डालने से ना इसका जो स्वाद है और ज़्यादा बढ़ जाता है हरा धनिया डाल के भी इसे लगभग बीस से तीस सेकेंड के लिए और पका लेंगे तो यहाँ पे तैयार हो गई है बहुत ही टेस्टी पालक और मटर की सब्जी की रेसिपी आप इसे चावल के साथ में खाइए या आप इसे रोटी के साथ में खाइए ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है तो रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा और अगर आपको हमारी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो आप अमेजिंग किचन रेसिपीज़ को कर लें सब्सक्राइब अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर कॉमेंट जरूर करें थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो